आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय जी इंटीरियर पटना। नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीडी न्यूज की तरफ से अब तक की 10 बड़ी खबरें। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के कालाबाजारी के आरोप में नवनीत कलाड़ा की अग्रिम जमानत कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नवनीत कलाड़ा ने मंगलवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी डाली थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। कोरोना संकट पर देश में सियासी घमासान जारी है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है। 12 विपक्षीय नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें देश में कोरोना से उभरे हालात का जिम्मेदार सीधे केंद्र को बताया गया है। आरोपों के अलावा चिट्ठी में उन्होंने सरकार से देश में मुफ्त टीकाकरण और पीएम केयर फंड से लोगों को दवाओं और जरूरी सामान मुहैया कराने की बात कही है। साथ में बेरोजगार को प्रतिमाह 6,000 एवं कृषि कानून को रद्द करने की बात कही गई है, ताकि किसानों को इस आपदा की घड़ी में राहत मिल सके। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश में वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ प्रधानमंत्री भी गायब हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में लगातार देश में ऑक्सीजन और दवाओं के आपूर्ति पर निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम फंड से 1.5 लाख ऑक्सीकेयर सिस्टम खरीदने की बात कही है। देश में कोविड वैक्सीनेशन जोरों पर है। देश में अब तक 17.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन पड़ चुकी है। देश के कई राज्य में वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 24.5 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। पहले के मुकाबले देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या कम होती दिखाई पड़ रही है, पर मौत के आंकड़े ज्यों के त्यों बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 4,120 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जो और दिन के मुकाबले ज्यादा ही है। कोरोना के बाद लोगों में अब ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। पिछले एक सप्ताह में देश के विभिन्न राज्यों से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। यह बीमारी नाक से शुरू होकर आंख और दिमाग तक फैलता है। सोमवार को यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में हुए फिलिस्तीनिया और इजराइल सुरक्षा बलों की झड़प ने इजराइल और अल-अक्सा के बीच युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है। दोनों देशों की तरफ से मिसाइलों की जंग जारी है। जंग में दोनों देशों के लोग की जान जा रही है। जहां अल-अक्सा में 35 लोगों की जान गई है, वहीं इजराइल में भी 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दोनों तरफ से सैकड़ों लोग के घायल होने की खबर आ रही है। 57 इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए युद्ध को शांत करने की बात कही है। यूनाइटेड संघ के महासचिव ने भी स्थिति को देखते हुए चिंता जताई है। आज के टॉप 10 में इतना ही। देखते रहे टीडी न्यूज। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आरती सिन्हा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हम आपको देश दुनिया की खबर देते रहें। खबर चाहे खेल की हो, राजनीतिक की हो, या कोरोना संबंधित, टीडी न्यूज रखता है आपको सबसे पहले अपडेट।